सो गाइज दिस इज माई फाइनल लुक और ये मेरी एक साड़ी थी एंड गाइज दिस इज सौरव. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. Good morning everybody and that is Sarav and this is me. हम दोनों अभी करके आए हैं अपनी ड्यूटी. सो आज अभी हल्दी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे और हम गए हुए थे वहाँ पे कवार धोती देने. सो जो गर्ल है उसको हल्दी लगने लगी है तो उससे पहले कबार धोती देने जाते हैं तो वो हम अभी करके हैं बट हम कैप्चर करना ही भूल गए बिकॉज कल रात की थकान के बाद हम लोग इतने स्लीपी हैं कि हम ज्यादा कैप्चर कर नहीं पाए. आंखें बिल्कुल टायर्ड हैं. मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया अभी मैं यहाँ पे हल्दी कैप्चर कर लेता हूँ. हाँ सो लेट्स गेट द हल्दी स्टार्टेड एंड प्रीटी एक्साइटेड बिकॉज आज कबीर सरवाला बनने वाला है. सो वेरी एक्साइटिंग डे राइट. एब्सोल्युटली. एंड दैट्स माय मॉम लुकिंग सो नाइस रेडी फॉर हल्दी. मेरी मॉम ने पूरा कलर थीम्स फॉलो करा. कल ग्रीन पहना आज ये थोड़ा मेकअप यार सो इट इज लुकिंग नाइस. बताएंगे पंडित जी. She said, I won't be back in a while. Don't wait. Already packed her bags, called the cab, made space. And she said, I won't answer if you call me when you're lonely. I guess I let her go, never mind, it's too late. But I can't believe I let you slip. I think about it 7 days a week and this just can't be how it's supposed to end up. It's not enough. And maybe time will make you fade. But I don't know if I'm ready to just let you go away. Like my friends think I should. Cause what if I just wanna be with you? Don't know what the hell I'm gonna do. But honestly, I can't remember if you love me. Or maybe I'm just feeling lonely, I don't know. Just let her go. She got herself a guy, and he's good. No, he's great. Everything she wanted packed behind. Oh!
गाइस आज सुबह से मैं कोई अपडेट नहीं शेयर कर पाई बिकॉज आज का दिन बहुत ही बैक टू बैक सारे फंक्शंस थे, तो हम सुबह कबाड़ धोती देख के आए, उसके बाद यहाँ फटाफट हल्दी स्टार्ट हो चुकी थी तो हम वहां पे बिजी हो गए, उसके बाद हल्दी खत्म हुई तो घड़ोली हुई, घड़ोली खत्म हुई उसके बाद हम रूम में आए, रूम में आके बच्चों को थोड़ा सा रेस्ट करवाना था बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब सर्दी खांसी है, तो रेस्ट कराने से क्या होता है ना कि बच्चों की रिकवरी अच्छी होती है, तो वी जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि थोड़ा उनको रेस्ट मिल जाए। उसके बाद थोड़ा फोन आ गया कि सरवाला वाली सेरेमनी स्टार्ट हो रही है, तो कबीर को फटाफट नीचे बुलाओ, पंडित जी आ गए हैं, तो फटाफट हमने उसको रेडी किया, नीचे लेके गए, आई थिंक 10 मिनट में रेडी कर लिया सौरभ ने, और नीचे लेके गए, मैंने और सौरभ ने तो चेंज भी नहीं किया था सुबह से, एंड ऐसे ही हम आ रहे हैं बिकॉज उसने हमें अल्टीमेटम दिया था कि अगर आप लोग नहीं होगे तो मैं नहीं करूंगा, तो हम लिटरली ऐसे ही कंडीशन में थे। लेकिन अच्छे से किया उसने, उसने इतने अच्छे से किया, मतलब सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि ही डिड इट सो वेल, पूजा इतने ध्यान से करी, जब वो नोट्स वाला हो रहा था तो ही वॉज सो हैप्पी, मतलब मनी 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 कर रहा था वो, एंड और ये घोड़े वाला बिना डरे उसने किया, 2 घंटे का प्रोसेस किया, तो अब हम ऊपर आ गए हैं, अब जाके हम रेडी होंगे और फिर वेन्यू पे डायरेक्टली पहुंचेंगे, अभी वहां पे पहले फेरे हैं, उसके बाद फिर रिसेप्शन है, तो आई थिंक हम 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, सो आपसे मिलते हैं जल्दी। सो गाइज आज होगा नूर का गेट रेडी विद मी, जैसे कबीर पे फोकस था अब आज नूर पे होगा, तो नूर सबसे पहले मैं उसको पहनाऊंगी ये थर्मल बिकॉज रात को बहुत ठंड है और ओपन में है, उसके बाद मैं उसको पहनाऊंगी ये स्कीवी और उसके ऊपर मैं पहनाऊंगी बहुत ही प्रिटी छन 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 करती हुई ये ड्रेस, ये इंडियन आउटफिट है जो हमने उसके लिए लिया, इतने फेयर है, इट्स जस्ट सो प्रिटी, सो ये हम पहनाएंगे और इसमें ना नॉट्स है तो आप हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो, सो दिस इज हाउ इट इज, एंड देन देयर विल बी दीज नाइस बेलीज, और नूर के फेस पे ग्लो लाने के लिए हम यूज करेंगे ममा अर्थ की कोको सॉफ्ट फेस क्रीम फॉर बेबीज, सो गाइज ये फेस क्रीम जो है इसमें कोकोनट मिल्क है और टर्मरिक है और ये फटाफट फेस से ड्राइनेस को हटा देता है, इंस्टेंटली फेस को सॉफ्ट बना देता है और एक अच्छा ग्लो लेके आता है फेस पे, यू नो दैट हाइड्रेटेड ग्लो जो बच्चों पे बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे तो दोनों ही बच्चों पे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, छोटी सी क्वांटिटी लगती है और एकदम फेस पे फटाफट मॉइस्चर आ जाता है, तो सुबह इसको नहला दिया था, बस अभी इसका फेस वॉश करूंगी और उसके बाद ये लगा दूंगी, एंड देन माय नूरू कपूरू इज रेडी, और ये एलर्जी सर्टिफाइड भी है, मेड सेफ सर्टिफाइड भी है, कोई टॉक्सिन्स नहीं है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, तो न्यूबॉर्न एज से आप इसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हो, एंड दिस इज द फेस क्रीम दैट माय बेबीज यूज, आई होप दे गेट अ फेस लाइक यू, दे ऑलरेडी हैव, एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ममाअर्थ की वेबसाइट Amazon, Flipkart, Nykaa हर जगह मिलेगा और ममाअर्थ की वेबसाइट पे 20% ऑफ मिलेगा यूजिंग माई कूपन कोड MOMCOM2023, तो आप जाके वहां से कुछ भी लीजिए आपको 20% ऑफ मिलेगा, मैं सब इनकी पूरी कोको सॉफ्ट रेंज यूज करती हूँ और वो काफी अच्छा रिजल्ट दे रही है स्पेशली विंटर सीजन में, तो एंड वैसे अब ममाअर्थ के रिटेल आउटलेट्स भी बहुत ज्यादा खुल गए हैं जिस दिन के साथ ऑनलाइन बाइंग नहीं करते हो, बट मैं इसको दिन में 3 बार बच्चों को लगाती हूँ, मॉर्निंग में, रात को, और एक बार जब मिड में पार्क से आते हैं तो अच्छे से फेस धो के फटाफट लगा दो, तो काफी लोग बोलते हैं ना बच्चों की स्किन डल हो रही है, आप अगर अच्छे से मॉइस्चराइज करोगे तो बिल्कुल नहीं होगी, अब मैं फटाफट जाती हूँ, नूरू को रेडी करती हूँ और खुद रेडी होती हूँ। नूर रूम सर्विस कॉल कर दो, हेलो कर दो, हाँ बोलो, वेयर इज माय फूड, यस वेरी गुड, नूर रूम सर्विस कॉल कर दो, नूर कबीर को कॉल कर दो, बेबी को बोलो वेयर आर यू, नूर नानी को कॉल कर दो, नानी को कॉल कर दो, हेलो कर दो नानी को, हाँ बोलो वेयर आर यू नानी, हेलो कर दो, वेरी गुड नूर, थैंक यू नूर, रूम सर्विस को कॉल कर दो, हेलो कर दो, नूर रूम सर्विस को हेलो कर दो, कॉल कर दो, हाँ बोलो वेयर इज माई फूड,